नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर आप ग्रुप फोर के कट ऑफ का एनालिसिस या कट ऑफ का विश्लेषण करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा के कट ऑफ का विश्लेषण करना या सटीक अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं जो कट ऑफ को घटाते बढ़ाते हैं, जैसे कि पेपर का स्तर क्या था। हम कैसे कट ऑफ निकालते हैं, हम तुलना करते हैं पिछले वर्ष के या जो पिछला पेपर हुआ था संबंधित एग्जाम का, उस पेपर से जो वर्तमान पेपर हुआ है उसकी। पेपर के डिफिकल्टी लेवल के आधार पर कट ऑफ का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही साथ विद्यार्थियों की तैयारी के आधार पर। कहने का मतलब है, विद्यार्थियों ने जो स्कोर किया उन आंकड़ों के आधार पर कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे पास आज की डेट में एक बात तो क्लियर है, जो पेपर इस वर्ष हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे पास किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के वे आंकड़े नहीं हैं जो उन्होंने एग्जाम में प्राप्त किए। कहने का मतलब है, मुझे विद्यार्थियों के अंक मालूम नहीं है जो उन्होंने एग्जाम में प्राप्त किए। अंक से सीधा सा मतलब होता है विद्यार्थी की कितनी तैयारी थी। विद्यार्थी की तैयारी का अंदाजा मुझे नहीं है। हो सकता है पेपर पिछले बार की तुलना में काफ़ी डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन विद्यार्थियों की तैयारी पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, तो डिफिकल्ट पेपर भी विद्यार्थियों के लिए फिर आसान बन जाता है। तो फिर अब आप कहेंगे कि सर फिर आप अनुमान लगाने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अनुमान लगा सकता हूं, एनालिसिस कर सकता हूं, बशर्ते मुझे आपके आंकड़े पता हों। अब मुझे आंकड़े कैसे पता होंगे, आपके मार्क्स कैसे पता होंगे, मैं दोस्तों टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, अभी मैंने यूट्यूब पर एक पोल क्रिएट किया है जिसमें मैंने मार्क्स की एक रेंज बना के रखी है कि इतने से इतने के बीच आपने नंबर प्राप्त किए। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना है, आपको उस पोल में अपना वोट करना है आपने किस रेंज में मार्क्स प्राप्त किए। और ऐसा कुछ विद्यार्थियों के करने से नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जब बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, पूरी सत्यता के साथ वोट देंगे, पूरी ईमानदारी से वोट करेंगे, उसके बाद ही हम कट ऑफ का सटीक अनुमान लगा पाएंगे, और वो भी श्योर नहीं होगा। दोस्तों, MPPSC का आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने कट ऑफ के अनुमान लगाए थे, मैंने भी लगाया था, लेकिन किसी ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि जो कट ऑफ होगा वो 80 नंबर तक पहुँच जाएगा, लेकिन पहुंचा। तो अनुमान कई बार गलत होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है हम सटीक अनुमान लगाकर उस रेंज तक पहुंच सकें। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे YouTube का जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें जाके उस पोल पर वोट करना है। जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ आप उसमें वोट करें, ताकि हम बढ़िया तरीके से एकदम एक्यूरेट कट ऑफ तक पहुंच सकें। आदर्श स्थिति नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप सभी ने हमसे डिमांड करी है। तो बस दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी मर्जी प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।